मैं माताओं बहनों से भी एक बात करना चाहता हूं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक देशव्यापी योजना की शुरुआत की जा रही है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। मातृत्व, ये नाम ही ईश्वर है। शायद ईश्वर को भी कहीं ना कहीं पता था कि इस दुनिया में मुझे कोई पूछे ना पूछे, पर माँ एक ऐसी मूरत है जिसे मनुष्य से लेकर पशु प्राणी तक उसका अनादर नहीं कर सकते। मातृत्व तो कहने को एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये अपने आप में इतना बड़ा है कि इसकी गंभीरता को समझने के लिए इसे अनुभव करना पड़ता है, जो कि सिर्फ एक महिला ही कर सकती है। लेकिन हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसकी अहमियत जरूर समझती, इसीलिए तो वो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चलाती है। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात जानेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया से। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की थी, जिसका संचालन केंद्र सरकार के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास की तरफ से किया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री गर्भावस्था योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाएं अपना पूरा ध्यान रख सकें और जन्म के बाद बच्चे की जरूरतों को पूरा कर सकें। इस योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं को ध्यान में रखकर की गई, खासकर मजदूरी करने वाली महिलाओं को। दरअसल बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं, और अगर ऐसे में महिलाएं अच्छा खानपान और अपने बच्चे की सही देखभाल नहीं करती तो जच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं की सही देखभाल, खानपान के लिए उन्हें 6000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं की देखभाल करना है, बच्चों को कुपोषित होने से बचाना और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। चलिए अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले और सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि उस गर्भवती महिला को भारत का नागरिक होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की गर्भवती महिलाओं को ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक महिला को केवल एक बार यानी बच्चे से पहले जन्म के समय ही योजना का लाभ दिया जाएगा। महिलाओं की उम्र 19 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं वो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। हालांकि मजदूरी करने वाली महिलाएं इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो। अगर महिला ने योजना के लिए आवेदन कर दिया है और उसका गर्भपात हो जाए या महिला मृत बच्चे को जन्म देती है तो भी इस योजना के लिए पात्र होगी, ताकि महिला अपनी सही देखभाल कर सके। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि गर्भवती महिला के पास बैंक पासबुक, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, राशन कार्ड, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर, किसान फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, माता पिता दोनों का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के जरिए एक गर्भवती महिला को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आप ये जान लें कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत माँ और बच्चे का ख्याल रखने के लिए 6000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। 3 किस्तों में किस योजना का फायदा दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। सहायता राशि महिला के गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म के बाद तक दी जाती है। जो महिलाएं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही हैं, उनके बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है तो उन्हें 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। योजना के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। तो अब जानते हैं कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए केवल ऑफलाइन ही आवेदन किए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू कर दी है, यानी लाभार्थी घर बैठे खुद ही योजना के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए आवेदनकर्ता को ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपके सामने योजना से जुड़ी सारी जानकारियां और आवेदन फॉर्म आ जाएगा। साइट पर आने के बाद आप होम पेज पर बैक ऑफिस लॉगिन के ऑप्शन पर जाएं। इस ऑप्शन में आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद लॉगिन करें, जिसके बाद आवेदन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारियां अच्छे से भरें और सबमिट करने से पहले फॉर्म को एक बार अच्छे से पढ़ लें। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकती हैं तो आपके पास के निजी आंगनबाड़ी केंद्र या फिर हेल्थ सेंटर जाएं।
आपको योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 3 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। फॉर्म भरने के बाद वहीं उसे जमा कर दें। आवेदन भरने के बाद केंद्र आपको एक पर्ची देगा जिसके माध्यम से ही आप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का अस्पताल में लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी चाहे तो उस उमंग ऐप के माध्यम से भी योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। उमंग ऐप पर कई सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस ऐप के माध्यम से आप सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन भी कर सकती हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उमंग ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में आवेदन करने की सुविधा का शुभारंभ किया था ताकि महिलाएं सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सके। खैर, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में एक अपडेट भी है। दरअसल पहले लाभार्थी महिलाओं को केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं मिलती थी, लेकिन अब प्राइवेट अस्पतालों में भी लाभार्थी इलाज करवा सकती हैं। अब इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं ताकि गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही सरकार ने हर राज्यों में अलग अलग हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की ताकि किसी को भी योजना से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना हो तो वो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर कॉल करके आप सवाल पूछने के साथ ही शिकायत भी कर सकते हैं और उसका निवारण भी पाया जा सकता है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से जुड़ा आपका कोई भी डाउट या सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।